अपने विचारों से संपूर्ण जगत में सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देने वाले दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक एवं महान संत पूजनीय रविदास जी की 645वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ जनपद पंचायत परिसर बनखेड़ी में मनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री का संबोधन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा देखा व सुना गया। इस अवसर पर मंचा सिंह जनपद पंचायत बनखेड़ी प्रधान प्रशासकीय समिति श्रीमती उमा छत्रपाल राय, तहसीलदार बनखेड़ी श्रीमती पूजा गुप्ता, CEO जनपद पंचायत बनखेड़ी, CMO एवं जनपद के अधिकारी कर्मचारी एवं संत रविदास जी के अनुयायी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। संक्षिप्त करते हुए उनके विषय में कितना भी कहे बहुत कम है, और पुरुषों में महापुरुष, गुरुओं में महागुरु, भारत के एक एक चमकते सितारे, उनके विषय में क्या कहे कि सात संबंध की मसीह करो और लेखन से बन रही धरती से कागज करो, रवि गुण लिखाना जाए, रवि गुण लिखाना जाए। सदगुरु रविदास जी के इतने सारे गुण हैं कि पूरे देश के, पूरे दुनिया के समंदर की स्याही बना दे और पूरी दुनिया के जंगलों को काट कर कलम बना ले, फिर भी सदगुरु रविदास जी ने इतना सब कुछ कहा है, उन गुणों को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन हो रहा है तो हम लोग सुनेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही प्रारंभ देता हूं और सदगुरु रविदास जी की जयंती पर सबको पुनः धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामनाएं देता हूं। सदगुरु रविदास महाराज की। बहुत ही पावन पर्व विश्व गुरु सदगुरु रविदास जी के 625वें पावन प्रकाश पर्व पर आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सदगुरु रविदास जी के विषय में आज जितना भी बखान किया जाए बहुत ही कम है। सदगुरु रविदास जी ने इस देश के लिए ही नहीं, इस पूरे भूमंडल के लिए मानव रूपी विचारधारा का जो उद्बोधन किया वो एक विश्व में उदाहरणीय है। सदगुरु रविदास जी ने इस भारत में जो कुरीतियां फैली हुई थी और इस देश के समकालीन संतों ने जो गुरु भक्ति मार्ग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।